और आ गए थंबनेल देखकर वीडियो देखने। अरे मेरे बच्चे। आज ऋषभ भाई ने पोकेमोन जो कि पोके गर्ल्स है उन सब की भाई वाइफ उसकी रैंकिंग डाली है, और उन्होंने खुद भी इसके अंदर कहा था कि यार खुद तुम लोग अपनी वाइफ उसकी रैंकिंग मुझे बताओ। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा आइडिया होगा व्यूज़ लाने का। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई हमारा चैनल कितना ही डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी भाई मैंने सोचा चलो अब ऋषभ भाई ने बोला है तो एक बार इन्हीं के नाम पे व्यूज़ कमा ले। अमेजिंग ग्रुप यार इसके अंदर जो भी रैंकिंग होने वाली है वो तुम्हें ऋषभ भाई ही समझा देंगे। ऋषभ भाई लेट्स गो। वाले वाइफूस की यस वाइफूस की हम लोग टीएलएस बनाएंगे, और खास करके पोकेमोन वाइफूस की। तो वैसे हम लोग ऑलरेडी टीएलएस बना चुके हैं, तुम्हें पता है भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम लोग भाई रैंक करने वाले हैं सारी वाइफूस को, जितने भी पोके गर्ल्स हैं पोके नाने में उन सबको रैंक करेंगे, और देखते हैं हु आर माय वाइफूस। तो इससे पहले कि तुम कुछ गलत सोचो मैं तुम्हें बता दूं भाई मतलब क्या होता है वाइफूस का। वाइफूस का बेसिकली मतलब होता है सम कैरेक्टर दैट यू आर अट्रैक्टेड टू, मतलब जो तुम्हें कैरेक्टर पसंद हो। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम खुद ही समझ जाओ। करता हूं यहां, अगर मैंने किसी गूगल को एस में रैंक किया तो इसका मतलब ये है कि शी इज माय वाइफू। अगर मैंने ए में रैंक किया तो या आई लाइक दैट कैरेक्टर, श्योर आई वुड लाइक टू हैंग आउट विद दैट कैरेक्टर। अगर मैंने किसी कैरेक्टर को बी में रैंक किया इसका मतलब है कि ठीक है चलो जितनी मैं खुद से नफरत करता हूँ उतनी मैं उससे भी करता हूँ। अगर मैंने किसी को सी में रैंक किया तो यू नो व्हाट आई वुड लाइक टू सी यू गर्ल। और अगर मैंने किसी कैरेक्टर को डी में रैंक किया मायो माया मैं उससे मिलने से अच्छा मैं स्नोलेक्स के नीचे दबना पसंद करूंगा भाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बॉयज। अमेजिंग ग्रुप। हाँ तो तुम लोगों में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे पास एक पीसी है फिर भी मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। देखो यार पीसी होने से सब कुछ नहीं हो जाता, असल में उसके लिए भाई एक अच्छा वाईफाई भी होना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। सैड लाइफ। वेल रैंकिंग की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि सारी की सारी भाई एस में जाने वाली हैं। वेल जोक्स अपार्ट गाइज हम लोग अपनी रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये जो फर्स्ट पोके गर्ल है भाई मैंने आज तक इसको कभी भी नहीं देखा, नहीं एनीमे में न कहीं और, तो इसलिए भाई मैं इसको बी में रैंक करूँगा। आई डोंट नो भाई मैंने इसको कभी देखा ही नहीं भाई, मैंने सीधा बी में रैंक कर दिया जरा से लुक्स वगैरह देख के। सो नेक्स्ट है भाई मिस्टी। अब यार मिस्टी की अगर तुम लोग बात करोगे तो भाई जैसे ही एनीमे में दिखी थी भाई मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज यार तुम लोग जानते हो भाई ये फर्स्ट एपिसोड में कितनी ज़्यादा गुस्सेल दिखाई गई थी, और भाई ये सीधा साइकिल उठा के ऐश को मारने पे आ गई थी। तो उस वक्त के हिसाब से अगर मैं सोचूँ और अभी भी सोच रहा हूँ तो यार मैं इसको ए में रैंक करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा भाई, वैसी कोई फीलिंग वगैरह नहीं आती भाई। तो ये वाली जो पोकी गर्ल है इसको मैंने आज तक नहीं देखा है तो इसको मैं बी में डालूंगा। इन सब के जिसको देखा ही नहीं है भाई उनके पीछे इतना दिमाग खोटी मत करो, लुक्स देखो और सीधा भाई रैंक कर दो। तो ये जो नेक्स्ट पोके गर्ल है भाई इसको भी आई थिंक मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने बस सरीना को मतलब इससे कंपटीशन में थी आई थिंक ये सरीना के खिलाफ, तो आई थिंक भाई इसको मैं ए में डालना ज़्यादा प्रेफर करूँगा लुक्स देख के भाई। हम मैंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको ए में ही डाल रहा हूँ। वेल अगर हम लोग बियानका की बात करें तो भाई ब्लैक एंड वाइट में भाई अभी क्या बोल रहा था मैं पता चल रहा है भाई तुम लोग कमेंट गालियों से भर दे। नशे मत करो ब्रदर, ब्रदर, पे अटेंशन। तो देखो यार मैंने इसको भाई ब्लैक एंड व्हाइट में देखा था, ये इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन इसके साथ पता नहीं एनिमे में क्या गड़बड़ रहती है, गिरती पड़ती रहती है और अपना मुंह तोड़वाते रहती है। आई डोंट थिंक भाई बियानका इतनी भी बुरी है तो इसलिए भाई मैं इसको ए में डाल रहा हूँ। और अगर हम लोग अगली पोके गर्ल की बात करें तो भाई वो है बॉनी। वैसे बॉनी एक्स एंड वाई में भाई क्लेमेंट की एक छोटी बहन है तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं इसको सीधा डी में डाल रहा हूँ। डी वाली जो कि रैंकिंग लाइन है मैंने भाई पोकेवर्स एक्स के लिए रखी है, होपफुली उनको पसंद आएगी। अमेजिंग ब्रदर, अमेजिंग ब्रो। ये जो नेक्स्ट वाली जो गर्ल है भाई ये जो कि हमारे साइलेंट होता है उसके शायद मतलब उसके साथ वाली कोई रहती है और इसको शायद साइलेंट पसंद भी था। वेल अगर हम इसके स्वभाव वगैरह की बात करें तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए भाई मैं इसको सी में डाल रहा हूँ। वेल इन आंटी की तो भाई मैं बात ही नहीं करना चाहता, मैं सीधा इसको डी में डाल रहा हूँ। सॉरी भाई लोग का अड्डा, दिल में दर्द होने लगा भाई। व्हाट? वेल अगली है भाई सिंथिया। सिंथिया का भाई आज तक मैंने एक आग देखी नहीं लेकिन एज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब एक आँख देखी नहीं तो भाई मैं सीधा भाई इसको बी में डाल रहा हूँ। अगर इसके किसी दिन आँख रिवील होती है तो पता चल रहा है भाई ये शेरिंगान है उसके आँखों में। व्हाट? ओके ओके ओके, नहीं निकलो 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 निकलो। अरे बाप रे, चश्मा भूल गया मैं, मेरा एक मिनट। खैर भाई जोक्स अपार्ट, हम लोग डॉन का तो भाई कहने ही क्या भाई, सीधा एस में भाई
ब्लैक एंड वाइट में जब ही देखा था भाई, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। और भाई डार्क साइड बॉस तो भाई पागल ही है, इसके पीछे जब भी चैट करो भाई डॉन 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 भाई। ओके सो नेक्स्ट है डायनथा। गाइस यार इसकी गाड़ी वॉर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और भाई ग्रे निंजा के साथ इसकी फाइट देखने लायक थी। लेकिन स्टिल भाई इसके लुक काफ़ी अच्छे है, लेकिन भाई जैसे जोकर जैसा पहनावा है इसका, उस हिसाब से भाई मैं इसको सी में डालूँगा। अब मैं जानता हूँ भाई, देखो बहुत अजीब दिखती है ये इसके ड्रेस में। वेल ये एलिसा भाई, ये इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर है और कुछ पिछले वीडियो में ही आई थिंक मैंने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था भाई ये इतनी अजीब होगी। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे प्रोफेसर आईवी और ब्रॉक वाला सीन हो गया है मेरे साथ, तो मैं इसको स्टिल भाई सी में रैंक करूँगा। ओके डी में नहीं, सी में। वेल ये वाली जो कि पोकेगल है भाई, मैंने इसको नहीं देखा है, आई थिंक ये कोई जिम लीडर है, लेकिन स्टिल भाई मैं इसको ए में रैंक करना चाहूँगा बिकॉज लुक्स ओके। अब हम लोग अगर बात करें कैसिडी की, तो भाई मैं सीधा इसको एस में डालूंगा बिकॉज भाई कैसिडी को जब मैंने फर्स्ट उसके एपिसोड देखा था तभी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। वेल गाइस कुछ टेक्निकल इशू के बाद भाई मैं फिर से रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ और इस टाइम भाई बारिश हो रही है, तो भाई इसको प्लीज़ इग्नोर करना। वेल नेक्स्ट है सबरीना। तो यार सबरीना की भाई मैं बात करूँ तो भाई सबरीना मुझे बहुत क्रीपी लगती है सच में, तो मैं इसको सी में डाल रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा भाई, नहीं तो सबरीना के हार्डकोर फैंस भाई ऑफेंड हो जाएंगे। वेल नेक्स्ट है भाई ये सरीना की राइवल है और भाई हमेशा सरीना के सामने भाई ऐश से बहुत ही ज़्यादा बातें करते रहती थी, लेकिन स्टिल भाई लुक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए भाई मैं इसको ए में डाल रहा हूँ। इन मोहतरमा के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सीधा डी में डाल रहा हूँ। यार नेक्स्ट भाई, सॉरी भाई ये क्या हो गया। ओके नेक्स्ट ये जो है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं इसको भाई स्टिल भाई इसको सी में ही रैंक करूँगा। आई डोंट नो, चेहरे से तो हराम ही लग रही है। तो भाई जैसी की बात करो तो भाई जैसी मुझे काफ़ी पसंद है, पहले भले ही मतलब वो क्रीपी आंटी लगती थी मेरे को, लेकिन अभी मेरा पूरा नज़रिया ही चेंज हो चुका है, तो इसलिए भाई जैसी को एस में डालेंगे, जैसी काफ़ी बढ़िया है। वेल नेक्स्ट है कोहारू। कोहारू भी काफ़ी अच्छी है और भाई पोकी वेंजर को काफ़ी पसंद है कोहारू। भाई वेंजर भाई स्ट्राइक मत देना मेरे को प्लीज। अरे मेरे बच्चे। ओके सो स्टिल भाई मैं इसको ए में डालूंगा क्योंकि कोहारू इज़ नाइस पोकेगल। वो बात अलग है कि ये इस बार ऐश के लिए नहीं, गो के लिए है। खैर ये जो नेक्स्ट जो भी गर्ल है भाई, ये आई थिंक हमारे अलान की बहन है और इसका कुछ खास रोल नहीं है भाई, मैं इसको सी में रैंक कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि इतनी बढ़िया है ये। फिर हम बात करते हैं इस वाली जो कि सन एंड मून की ये जो गर्ल है, आई थिंक ये इसका नाम लिली है और ये काफ़ी अच्छी है और भाई आयश का काफ़ी केयर करती थी ऐसे सुनने में आया है, और मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे मतलब आर्टिकल वगैरह भी पढ़े हैं, तो इसलिए भाई मैं इसको ए में रैंक कर रहा हूँ। नेक्स्ट है भाई टीम स्कल की मेंबर। भाई इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं भाई, हेयर स्टाइल भाई इतना अनोइंग है भाई, इसको सीधा डी में डाल दिया। सो नेक्स्ट है भाई रीशा। भाई ये एक पोकेमोन पावर ऑफ अर्थ में से है और भाई ये ऑब्वियसली नॉन कैनन पोके गर्ल है भाई, हो भाई सैड लाइफ। लेकिन भाई मैं एक पर्सनल चीज़ तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैंने जो कि पावर ऑफ अस है सिर्फ इस पोके गर्ल की वजह से देखी थी इंग्लिश में। ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया। अमेजिंग ब्रदर, अमेजिंग ब्रो। वेल नेक्स्ट है सरीना। सरीना के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं कि सरीना क्यों एस में है। सरीना को लगभग सभी लोग पसंद करते हैं, अब कुछ दो चार कुछ गिने चुने लोग होगी जिनको सरीना नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है। तुम लोगों का क्या करना है मेरे को, मुझे पसंद है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट है भाई कोरीना। कोरीना भाई हमारे पोकेडॉन को काफ़ी पसंद है, कुछ ज़्यादा ही वीडियोस बना दिए भाई पोकेमोन वर्ल्ड और पोकेडॉन ने इसके ऊपर, काफ़ी भाई उनके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आए थे इस टाइम। लेकिन स्टिल भाई मैं इसको ए में रैंक कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी है और ऐश के साथ काफ़ी अच्छी तरह रहती थी ये, इसलिए मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको ए में रैंक कर दिया। और ये वाली पोकी गर्ल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी देखी है, लेकिन स्टिल लुक्स के हिसाब से भाई अच्छी है, तो मैं इसको ए में डाल रहा हूँ। ये वाली शायद एक कॉम्पिटिटर है हमारी मतलब सरीना या फिर डॉन की, तो मैं इसको भाई
बी में रैंक करूँगा। ओके ठीक है, अब ये मत पूछो क्यों, लेकिन हाँ बी में रैंक करूँगा। हाँ तो यार नेक्स्ट है आयरस। आयरस के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आयरस को असल में मैं ब्लैक एंड वाइट में इतना पसंद तो नहीं करता था मतलब उस हिसाब से, लेकिन स्टिल भाई आयरस काफ़ी बढ़िया पोकेगर्ल है। उसके भाई मतलब पोकेमॉन्स कितने ज़्यादा पावरफुल है, अब तो यूनोवा की सबसे पावरफुल ट्रेनर भी बन चुकी है, इसलिए भाई मैं इसको सीधा ए में रैंक करूँगा। अरे भाई, अरे ये क्या हो गया यार, भाई रोज़ कैसे चेंज हो गई यार। ओके ओके, सो मैंने इसको ए में रैंक कर दिया है। अब आई डोंट नो ये रोज़ कैसे चेंज हुई, मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट है भाई लिली की मॉम, मैंने इसको कभी देखा नहीं है, लेकिन स्टिल लुक के बेसिस पे मैं इसको ए में रैंक करूँगा। नेक्स्ट है भाई हमारी ये वाली पोकेगर्ल, आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन स्टिल मैं इसको बी में रैंक करूँगा। मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इन सब के बारे में, पता चल रहा है भाई कोई ना कोई ऑफेंड हो गया। स्टिल भाई ये वाली जो सन एंड मून की पोकेगर्ल है, इसको कौन नहीं जानता है भाई, वो वाला मीम सभी ने देखा होगा। मैं इसको यहाँ पे मतलब स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम लोग इंस्टाग्राम या फिर कहीं और इसका नाम से ऐश और इसका मीम सर्च कर लेना भाई, तुम लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। स्टिल भाई मैं इसको ए में रैंक करूँगा। नेक्स्ट है भाई मे। मे के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, मे काफ़ी अच्छी पोकेगर्ल है, काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेटर है, वो बात अलग है भाई ड्रिव को ये काफ़ी पसंद है, लेकिन ठीक है यार, लेकिन मे इज़ वेरी गुड पोकेगर्ल, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट है भाई ये वाली, इसको भाई मैं डी में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट है भाई लिली। लिली काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं स्वभाव तो नहीं जानता भाई कैसा होगा, लेकिन मैं इसको ए में रैंक करूँगा। और नेक्स्ट ये जो भी है भाई, इसको मैं नहीं जानता भाई, मैं इसको सी में रैंक कर रहा हूँ। और नेक्स्ट ये जो है, इसको भी भाई मैं सी में डाल रहा हूँ, पता नहीं भाई कौन है। वेल यार ये है मेरी रैंकिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम लोग भाई ऑफेंड मत होना। होपफुली तुमको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और भाई पोकेवर्स भाई आपको जो कि बी लाइन है काफ़ी पसंद आई होगी, तो भाई आप भी लाइक कर देना इस वीडियो को। और बस यार आज के लिए बस इतना ही, तुम लोगों को भी रैंकिंग की वीडियो बनानी है तो मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। वेल तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड चेकआउट करना, फॉलो भी करना है भाई, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन भी, और दोनों के लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है। वेल आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।